ये वीडियो है कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी का, जिन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी को समन को लेकर हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जब पुलिसकर्मियों ने कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी को हिरासत में लेकर जाने लगे तो रेणुका चौधरी ने एक पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ लिया और उसे धमकाया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय के समन को लेकर कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। गुरुवार को तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान हैदराबाद में ईडी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने एक पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ लिया। पुलिसकर्मी की हालत खराब हो गई और वो अपनी कॉलर रेणुका चौधरी से छुड़ा नहीं पा रहा था। इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने जैसे तैसे रेणुका चौधरी के मजबूत पंजे से पुलिस का कॉलर छुड़ाया।